प्रयागराज के मंकामेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर में बाकायदा नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें मंदिर परिसर में कैसे वस्त्र पहनकर श्रद्धालु आए उसका भी जिक्र किया गया है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप जिस स्थान पर हैं, ये प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। जहाँ तक कुछ दिन से ये देखा गया है कि जो पहनावा है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने जो परिधान है, हमारा जो परिवेश है जिसको पहनकर पूजन पाठ किया जाता है, जिससे हमारी मन की शुद्धि होती है, और उस शुद्धि को लेकर जब हम भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं, पूजन करते हैं, तो उस साधना का हमें जो फल मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। पहले की जो स्थिति थी, महिलाएं साड़ी पहनकर, सूट पहनकर पूजन में प्रवेश करती थीं, पुरुष पैंट शर्ट पूरा पहन के, आज की स्थिति में है कटे पिटे पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं। जैसे पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, उसी प्रकार मंदिरों में आना शुरू कर दिए हैं। इसलिए दिशा निर्देश लगाया गया है कि पूरे वस्त्र, पूरा तन ढककर मंदिर में प्रवेश करें और पूजन करें। पूजन में कहीं किसी को मना नहीं किया गया है, मगर जो परिधान है उसके कारण कहीं कहीं बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, छिनैती हो रही लगातार, लव जिहाद जैसी जो आज की स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे परिधान को लेके ही बढ़ी है। और जो मंदिर होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब में जब समय आता है, समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, उसके अनुसार समाज उस पर चलता है, और निश्चित रूप से उनके हित के लिए ही बोला जाता है। और मंदिरों में प्रवेश करके जो पूजन की जाती है, जब तक आपका मन भगवान के प्रति जो है शुद्ध नहीं होगा, उनके प्रति जो है आपका आकर्षण नहीं रहेगा, तब तक उस पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए परिधान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए यह ड्रेस कोड बनाया गया है। प्रयागराज के यमुना नदी तट पर बने सिद्ध मंदिर मंकामेश्वर मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासतौर पर सोमवार के दिन यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहां पर सच्चे मन से, दिल से, सच्चे भाव से ईश्वर से जो कोई भी कामना की जाती है वो पूरी हो जाती है। ड्रेस कोड लागू हो जाने के बाद मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नियम सही है, क्यों क्या लगता है, क्यों लगता है, क्यों सही है? सही है, इसका पालन करना चाहिए लोगों को, है ना। आजकल देखिए जो भी हो रहा है सिस्टम, है ना, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो सही है, मंदिर में हर जगह तन ढक के चलना चाहिए लोगों को, है ना, वो जरूरी है ये सब। अभी तो लोग और देख के सब इस तरीके से उदाहरण लेंगे, है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, कपड़े तो शालीनी पहन के आपको मंदिर में आने चाहिए, और एक सभ्यता के अंतर्गत ही आपको क्या कहते हैं मंदिर में कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। लेकिन गहनों का मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि हम लोग नए, हमारे यहाँ जैसे कस्टम्स है, नई नई शादीशुदा औरतें होती हैं, या वैसे भी लोग गहने पहनने का शौक रखते हैं, तो गहने पहन के आने में तो मैं नहीं समझती कि कुछ दिक्कत होनी चाहिए। बट अगर कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और जो चीज़ें उचित लगे उनको आगे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नाम बता दीजिए। स्तुति।